हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेस्ट हॉलीवुड वेब और टीवी सीरीज़ की इस वीडियो सीरीज़ के 3 वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं और आज इस 4th वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं, जहां हम आपको 2011 से 2019 तक की टॉप 10 एक्शन एडवेंचर सीरीज़ के बारे में बताएंगे। ये सीरीज़ कहां से और किस लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, ये हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बेस्ट फिल्म और वेब सीरीज़ की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है ऑलमोस्ट ह्यूमन। ये एक एक्शन सीरीज जिसमें आपको भर भर के एक्शन देखने को मिलेगा। स्टोरी लाइन कुछ यूं है कि ईयर 2048 में साइंस एवोल्यूशन की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज होती है, तब पुलिस भी इसका साइंटिफिक सॉल्यूशन निकाल लेती है और हर पुलिस ऑफिसर को एक कॉम्बैट एंड्रॉयड रोबोट के साथ पेयर किया जाता है। सीरीज़ के लीड कैरेक्टर को ये सिस्टम और ये रोबोट्स पसंद नहीं आते, क्योंकि एक कॉम्बैट फाइट में रोबोट की वजह से उसका पैर चला गया था और वो कोमा में चला गया था। असली स्टोरी तो इसके आगे शुरू होती है, जो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आपको स्पॉयलर्स बिल्कुल नहीं दूंगा। दोस्तों, आपको सिर्फ सीरीज़ के 13 एपिसोड्स ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीरीज़ अब कैंसिल हो चुकी है। रीजन्स वी डोंट नो। नंबर 9 पर है डविंशीज डिमंस। लियोनार्डो डविंची, जिनको आज एक फेमस पेंटर के रूप में जाना जाता है और वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा उन्होंने ही बनाई थी। ये सीरीज़ उनकी ही अर्ली लाइफ का एक फिक्शनल डिपिक्शन है। सीरीज़ का प्लॉट कुछ यूँ है कि लीड कैरेक्टर और लोगों से बिल्कुल अलग होता है, जीनियस होता है, लेकिन वो अपने अंदर के डिमेंस और इमेजिनेशन से जूझता रहता है। वो एक बुक ऑफ लीव्स की मिस्ट्रीज को अनलॉक करना चाहता है, इसलिए एक मैस्टिक उसे गाइड करता है उसकी हिडन ब्रेन पावर्स को अनलॉक करने के लिए, और वहाँ से उसे पता चलता है कि वो न सिर्फ भविष्य देख सकता है बल्कि खुद भविष्य बना सकता है। साल 2013 से 15 तक इस सीरीज के 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं। माय नेम इज लियोनार्डो डा विंची। नंबर 8 पर है वॉरियर। ये एक एक्शन सीरीज़ है और इसमें बहुत सारी मार्शल आर्ट फाइट्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये वर्ल्ड के बेस्ट मोस्ट फेमस मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली की लाइफ कंसेप्ट से इंस्पायर्ड है। ब्रूस ली जो एक मार्शल आर्टिस्ट तो थे ही, साथ में बेस्ट फिलोसोफर और राइटर भी थे। उनकी बुक्स, उनकी राइटिंग्स बहुत इंस्पायरिंग है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस सीरीज़ की स्टोरी टोंग वॉर्स के टाइम लेट 1870s के सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया को दिखाती है। टोंग वॉर्स कुछ डिस्प्यूट्स थे राइवल चाइनीज टोंग्स यानी ग्रुप्स के बीच में हुए थे लेट 1870s में, जब बहुत से चाइनीज अमेरिका में सेटल होने आ रहे थे। सीरीज़ का लीड कैरेक्टर जो मार्शल आर्टिस्ट होता है, जो चाइना से सैन फ्रांसिस्को आता है अपनी सिस्टर को ढूंढने, वहाँ कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि उसे उनके खिलाफ फाइट करना पड़ता है। तो इसी तरह ये सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग एक्शन सीरीज़ है। सीरीज़ का फर्स्ट सीजन 5 अप्रैल 2019 को रिलीज़ हुआ है, जिसमें आपको 10 एपिसोड मिलेंगे। He's very well trained. I thought I'd bring him here first. नंबर 7 पर है ब्लैक सेल्स। ये एक हिस्टोरिकल एडवेंचर सीरीज है और इसे ट्रीजर आइलैंड टाइटल वाली बुक का प्रीक्वल कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी स्टोरी ट्रीजर आइलैंड के इंसिडेंट से 2 डिकेड्स पहले के टाइम में सेट है, जहां कैप्टन फ्लिंट अपने क्रू में एक यंग मेंबर को ऐड करता है। ये क्रू न्यू प्रोविडेंस आइलैंड के सर्वाइवल के लिए फाइट करता है। स्टोरी शुरू होती है जहाँ 1715 में वेस्ट इंडीज में न्यू प्रोविडेंस आइलैंड के पायरेट्स वहाँ के ट्रेडर्स को डराते हैं, धमकाते हैं, जिससे कि हर सिविलाइज नेशन उन्हें पूरी ह्यूमैनिटी का दुश्मन घोषित कर देता है, जिसके रिएक्शन में पायरेट्स पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट वॉर करने का डिसीजन लेते हैं। सीरीज में रियल लाइफ पायरेट्स और स्टोरी को फिक्शनल तरीके से दिखाया गया है। साल 2014 से 2017 तक सीरीज के 4 सीजन रिलीज हो चुके हैं। नंबर 6 पर है 2 सीरीज, जैक रायन और बॉडीगार्ड। जैक रायन की बात करें तो ये अमेज़न प्राइम की ओरिजिनल एक्शन सीरीज़ है। ये सीरीज़ फेमस राइटर टॉम क्लैंकी द्वारा रचे गए एक फिक्शनल यूनिवर्स रायन वर्स के कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। जब फर्स्ट सीजन में दिखाया गया है कि लीड कैरेक्टर जैक रायन जो CIA एनालिस्ट होता है, जो डेस्क वर्क से निकल कर फील्ड वर्क करना चाहता है और उसकी रिसर्च की वजह से उसे फील्ड वर्क करने का मौका मिलता है, जब कुछ डाउटफुल बैंक ट्रांसफर्स से वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट सुलेमान तक पहुँच जाता है। इस सीरीज़ का फर्स्ट सीजन 2018 में आया था और सेकंड सीजन हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को रिलीज़ हुआ है, जिसमें जैक को करप्शन, पॉलिटिक्स और उसके कारण हुए सिविल डिस्टर्बेंस से लड़ते हुए दिखाया गया है। बात करें बॉडीगार्ड की तो ये सीरीज़ एक फिक्शनल कैरेक्टर पुलिस सर्जेंट डेविड बर्ड पर फोकस है। डेविड जो ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर रह चुका है और अब वो लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस सर्विस की रॉयल्टी एंड स्पेशलिस्ट प्रोटेक्शन ब्रांच के लिए काम करता है। उसे एक एम्बिशियस होम सेक्रेटरी के प्रिंसिपल प्रोटेक्शन ऑफिसर के तौर पर असाइन किया जाता है और उसे होम सेक्रेटरी की पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अब फिर वो कैसे होम सेक्रेटरी के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन में आता है और उसे कैसे प्रोटेक्ट करता है, यही सीरीज़ का इंटरेस्टिंग पार्ट है। इस सीरीज़ में आपको 6 एपिसोड्स मिलेंगे।
नंबर 5 पर है द बॉयज। ये एक एक्शन कॉमेडी सीरीज है जो इसी टाइटल की कॉमिक बुक पर बेस्ड है। सीरीज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जहां स्टोरी में सुपर पावर्ड पीपल को जनरल पब्लिक हीरो मानती है और इन सुपर हीरोज का मालिक है एक पावरफुल कॉर्पोरेट वॉट इंटरनेशनल। उन सुपर हीरोज की ये मार्केटिंग करते हैं और मोनेटाइज करते हैं, और अपने सुपर हीरो इमेज के बाहर इनमें से ज़्यादातर एरोगेंट होते हैं, करप्ट होते हैं। तो ये सीरीज दो टीम्स द सेवन और द बॉयज पर फोकस्ड है, जहां द बॉयज द सेवन टीम के करप्ट सुपर हीरोज को कंट्रोल में रखते हैं। ये तो सीरीज का बेसिक ओवरव्यू है। सीरीज में आपको एक्शन एडवेंचर के साथ बहुत सारी कॉमेडी भी मिलेगी। सीरीज का फर्स्ट सीजन 26 जुलाई 2019 को रिलीज हुआ है, जिसमें आपको 8 एपिसोड्स मिलेंगे। नंबर 5 पर डेडेविल, द पनिशर, एजेंट्स ऑफ शील्ड जैसी एक्शन सीरीज भी हैं, जो हमने अपने टॉप 10 क्राइम थ्रिलर शोज पार्ट 2 वाले वीडियो में ऐड किया है। डेडेविल, द पनिशर, द एजेंट्स ऑफ शील्ड मार्वल की बेस्ट एक्शन एडवेंचर सीरीज, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। नंबर 4 पर है इनटू द बैडलैंड्स। ये एक एक्शन एडवेंचर सीरीज और बहुत पॉपुलर सीरीज है। हमारे लास्ट वीडियो टॉप 10 हॉलीवुड वेब सीरीज वाले वीडियो में इसे ऐड करने की बहुत डिमांड, और फाइनली हमने इसे ऐड कर लिया है। टाइटल की ही तरह सीरीज में बैडलैंड्स होती है, एक जगह होती है जो 7 राइवल बैरन्स में डिवाइडेड होती है। 7 बैरन्स की अथॉरिटी बैडलैंड्स के 7 अलग अलग एरिया पे होती है। बैरन एक तरीके से रूलर होते हैं अपनी टेरिटरी के, जिनका डेली लाइफ रिसोर्सेज पे कंट्रोल होता है, और वो अपने लॉज रूल्स लोगों से फॉलो करवाते हैं अपनी आर्मी क्लिपर्स से। ये क्लिपर्स बैरन्स के बहुत लॉयल फॉलोवर होते हैं। सीरीज की स्टोरी एक क्लिपर सनी पर फोकस्ड है, जो मार्शल आर्टिस्ट होता है और बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है, और क्विन का हेड क्लिपर और मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर बन जाता है। इस बहुत ही पॉपुलर और इंटरेस्टिंग सीरीज के 2015 से अब तक 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं। नंबर 3 पर है द लास्ट किंगडम। ये एक हिस्टोरिकल एक्शन एडवेंचर सीरीज है, जो द सैक्सन स्टोरीज नॉवल सीरीज पर बेस्ड है। ये एक्शन सीरीज में आपको गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा एक्शन एडवेंचर वैसे ही सिनेमा इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस इस सीरीज को जरूर देखें। इस सीरीज में रियल हिस्टोरिकल इवेंट्स और कैरेक्टर्स को फिक्शनली प्रेजेंट किया गया है, जहां बेसिकली ये किंग एल्फ्रेड की स्टोरी और सेपरेट किंगडम्स को यूनाइट करके इंग्लैंड बनाने के डिजायर को दिखाती है। सीरीज की स्टोरी लेट 19th सेंचुरी AD में सेट है, जब इंग्लैंड 7 सेपरेट किंगडम्स में डिवाइड था। जो एंग्लो सैक्सन लैंड थी उन पर लगातार अटैक करके वाइकिंग डेन्स वहां का रूलर बन जाता है, और सिर्फ किंगडम ऑफ वेसेक्स ही लास्ट स्ट्रॉन्ग किंगडम होता है जो डेन्स का अपोज करता है। इंटरेस्टिंग वॉर एक्शन सीरीज के साल 2015 से 2018 तक 3 सीजन रिलीज हो चुके हैं। लास्ट किंगडम और गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी एक और वेब सीरीज जल्द ही रिलीज होने जा रही है, जिसका टाइटल है द विचर, जो इसी टाइटल की बुक द विचर पर बेस्ड है। बहुत ही शानदार एक्शन एडवेंचर सीरीज होने वाली है, जो 20 अक्टूबर 2019 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सीरीज की स्टोरी एक मॉन्स्टर हंटर पर फोकस है, जो इस अनफेयर वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, जहां लोग कई बार मॉन्स्टर से ज़्यादा मॉन्स्टर्स दिखाई पड़ते हैं। लीड कैरेक्टर का सामना एक ताकतवर जादूगरनी और एक यंग प्रिंसेस, जिसके डेंजरस सीक्रेट्स होते हैं, इनसे उसका सामना होता है और वो इनसे फाइट करता है। 2 पर है वाइकिंग्स। ये एक हिस्टोरिकल एक्शन एडवेंचर सीरीज है, जो गेम ऑफ थ्रोन्स जितनी ही पॉपुलर और इंटरेस्टिंग है, और इसका फैन बेस गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन बेस से कहीं कम नहीं है। ये सीरीज वाइकिंग रगनार लॉथब्रोक की स्टोरी से इंस्पायर्ड है, जो कि बेस्ट नोन वाइकिंग था अपने टाइम का। सीरीज का प्लॉट कुछ यूँ है कि सीरीज का लीड कैरेक्टर रगनार, जो कि एक किसान होता है, जो बहुत सी सक्सेसफुल रेड्स के बाद बहुत फेमस हो जाता है, और फिर इवेंचुअली वो अपनी फैमिली और फेलो वॉरियर्स के सपोर्ट से राजा बन जाता है। सीरीज में आगे की स्टोरी में रगनार के 14 सन्स और उनके एडवेंचर्स को दिखाया गया है। साल 2013 में शुरू हुई इस पॉपुलर सीरीज के अब तक 5 सीजन आ चुके हैं, और सीरीज का 6th और फाइनल सीजन 4th दिसंबर 2019 को रिलीज होने वाला है। नंबर 1 पर है मोस्ट लव्ड शो गेम ऑफ थ्रोन्स। ये एक एक्शन एडवेंचर सीरीज है, जो फैंटेसी नॉवल की एक सीरीज ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर से अडेप्ट की गई है। इस सीरीज की पहली नॉवल है गेम ऑफ थ्रोन, जिस पर ये सीरीज बेस्ड है। इस सीरीज में 2 स्टोरीज पैरेलल चलती है, जहां एक स्टोरी होती है आयरन थ्रोन पर फोकस। आयरन थ्रोन 7 किंगडम्स का सेंटर है, और इसके रूलिंग किंग रॉबर्ट ब्राथियन की डेथ के बाद सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स आयरन थ्रोन को अडेप्ट करना चाहते हैं। दूसरी स्टोरी है नाइट्स वॉच की, जहां वाइल्डलिंग्स और लिविंग के बीच एक बड़ी वॉल बनी होती है, और अलग अलग किंगडम्स के यूथ वॉल पर पहरेदारी के लिए आते हैं, जिन्हें अपना पूरा जीवन नाइट्स वॉच के लिए देना होता है। ये तो सीरीज की स्टोरी का सिर्फ ओवरव्यू था। आपको सीरीज में फैंटेसीज, राइवलरीज, वॉर, ड्रामा, एक्शन बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस सीरीज की एंडिंग में जरूर थोड़ी कमी नजर आई, लेकिन ओवरऑल देखें तो इससे बेस्ट शो अब तक कोई नहीं हुआ।
इस सीरीज का फैन बेस बहुत बड़ा है और सीरीज ने HBO चैनल के सारे व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़े थे रिलीज के टाइम और सारे बड़े अवार्ड्स ईयर बाय ईयर इस सीरीज ने जीते हैं। इस शो का हर कैरेक्टर, हर डायलॉग, सब कुछ परफेक्ट है। तो अगर आपने अब तक गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखी तो मतलब आपने अब तक कुछ नहीं देखा। 2011 में शुरू हुए इस शो को 2019 में 8 सीजन्स में खत्म किया गया है। पॉपुलरिटी और फैंस की डिमांड पर इसकी प्रीक्वल सीरीज बनाई जा रही है जिसमें टारगेरियंस की स्टोरी को दिखाया जाएगा। दोस्तों, जैसा हर बार आप लोगों की कंप्लेन रहती है कि इन सीरीज़ को हम कहाँ देखें ये तो बताइए, आप लिंक तो दीजिए। देखिए, लिंक हम दे नहीं सकते और आप भी कमेंट में लिंक मत डालिए क्योंकि ये फ्रॉड माना जाता है YouTube की तरफ से। लेकिन हमने इसका एक दूसरा सॉल्यूशन निकाल लिया है। आपकी ही रिक्वेस्ट पे हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हमारे वीडियोज़ में एडिट फिल्म्स, वेब सीरीज़ किस लैंग्वेज में और कहाँ अवेलेबल है ये मैं आपको उस चैनल पर पर्सनली बताऊँगा। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं जहां हम 24/7 आपकी हेल्प तो करेंगे ही, साथ में आपको सिनेमा और क्रिकेट की बहुत सारी अमेजिंग पोस्ट भी देखने को मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो कैसा लगा और आपको किस वेब सीरीज की डिटेल चाहिए ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।